साल 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी ने रोजगार और विकास के बड़े बड़े दावे किए थे। हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। लेकिन बुधवार यानी 9 फरवरी को राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने जो जवाब पेश किया वो देश में गंभीर होते हालात की तरफ इशारा करता है। देश में होने वाली आत्महत्या की घटनाओं को लेकर राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब पेश किया। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में 2018, 2019 और 2020 में कुल 9,140 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से खुद को मौत के घाट उतार लिया। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, इन 3 साल में दिवालियापन या कर्ज के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या 16,091 थी, यानी बेरोजगारी और कर्ज की वजह से करीब 25,000 लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसे में सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। हालांकि बीते 2 साल में कोरोना भी लोगों के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरा है, क्योंकि ना जाने कितने ही लोगों का रोजगार छिन गया तो कितने ही लोग अपने कारोबार में घाटा सहने को मजबूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।